बताया, थ्री मतलब ट्राई मतलब होता है थ्री, गोनो मतलब होता है साइड, मेट्रिक मतलब होता है मेजर, तो मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। इसका रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो भी कहते हैं, जिसमें कि आपको तीन तरह के एंगल बनाने होंगे। जैसे आपने देखा पहला एंगल यहाँ पे मेजर किया, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, छोटी वाली साइड हमेशा बेस होती है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। अगर यहाँ हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे मैंने बोला था आपको, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर होगा वो मैं उठाऊंगा। जैसे कि आपको सबसे पता है थोड़ा मुश्किल भी है, स्कोरिंग चैप्टर भी है, बट आपको इस वीडियो के बाद चैप्टर 8 में कोई भी डाउट नहीं होगा। और इसका कह सकते हो कि दूसरा को पॉइंट चैप्टर नंबर 9 सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो दोनों कोऑर्डिनेशन मिला के है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के आपके टोटल चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 आपके 12 नंबर का है। तो मैंने ऑन एन एवरेज ट्रिग्नोमेट्री और सम ऑफ अप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री को मैंने 6-6 भागों में बांटा है। तो जिसमें कि आपको पता है कि कल जैसे मैंने आपको सैम्पलपेयर करवाया था, तो उसमें देखा आपने कि सीबीएसई 3 घंटे और आपके 80 मार्क्स वाले जो को पेपर हुए हैं उनमें हमेशा 2 MCQ पूछा गया है, और उसके अंदर से 3 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। मे भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंसेप्ट प्लस में आपको इस तरह से बेहतरीन ट्रिक दे दिया जाए कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कभी डरना होगा। इस चैप्टर के बाद, इस कुछ वीडियो के बाद आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से डरने लगेगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। तो गाइस, चलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताता हूँ। चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें कि आपका सारा टॉपिक करना है, एक भी टॉपिक नहीं कटा है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले देखो कि चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, गाइस हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। सम ये देखो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोण जिसमें इसमें कोसाइन साइन टेन ये सारे आपके इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनो सबसे पहले कि इसके ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आ रही है तो आपको सच में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे मान लो कि आपको बताया भाई ट्राई, चलो यह लिखा है, क्या लिखा है ट्राई, इसका मतलब होता है जो ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, क्या होता है यहाँ पे थ्री। तो यह देखो ट्राई का मतलब क्या हो गया थ्री, और यहाँ पे मतलब हो गया आपके पास में कि ये आपके पास होगी साइड, क्या हो गई यहाँ पे साइड। अब मैट्रिक का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे हो गया मेजरमेंट, क्या होगा बच्चे मेजरमेंट, मेजर बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेजर। तो यहाँ पे समझ आ गया आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है ये आपके ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले ये भी चीज़ आप याद रखना, ये क्या आपके ग्रीक वर्ड है, जिसमें कि ट्राई का मतलब होता है तीन, अब गोन का मतलब होता है साइड, अब मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट होता है, मतलब तीनों साइड को जोड़ना होता है, ठीक है भाई। एक चीज़ समझ आ गया, एक चीज़ और याद रखना, कभी MCQ का पैटर्न है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसका दूसरा नाम जो है इसे टी रेशियो भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखना, कभी सर या मैम कुछ भी बोल दे कि टी रेशियो वाला क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप समझ जाना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ही दूसरा नाम है ट्राई मतलब टी रेशियो। ये बात समझ आ गई। तो बच्चे यहाँ से अपना ध्यान से सुनना इसमें, और जो ये आपका मेजर है आपको इस वाले चैप्टर में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच की मेजरमेंट ही करनी है, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। चलो मैं अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर में बच्चे ध्यान सुनना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। आपको पता है राइट एंगल मतलब कि आपका राइट एंगल होता है ना, यहाँ पे एक राइट एंगल होता है, जिसके तरह से देखो, जैसे मान लो ये है एक आपके पास में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो ड्राइंग तो यार बेकार ही है, चलो ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये सपोज करो सी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है बच्चे, ये 90 डिग्री है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई एक एंगल बनाया, क्या बनाया यहाँ पे, ये एंगल बनाया। तो याद रखना जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जहाँ पे एंगल बनेगा वो हमेशा आपका, जैसे मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये एंगल जो है, ये एंगल ए आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल, क्या कहलाएगा यहाँ पे एक्यूट, ठीक है। एक्यूट का मतलब हिंदी में होता है न्यून कोण, और एक्यूट एंगल को दूसरा नाम भी कहते हैं, याद रखना यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस, क्या कहते हैं
एंगल ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसके मतलब जब भी तीन साइड मतलब एक ट्रायंगल की बात होगी जहाँ पे एंगल बनेगा वहाँ हमेशा वो एंगल एक्यूट एंगल होगा, ये आपका हमेशा जो सेंटर होगा वो राइट एंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, और एक्यूट एंगल को दूसरा कहते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखो बच्चे ध्यान सुनना, जब भी एंगल होता है यहाँ पर देखो इसे आपके पास जब अगले चैप्टर आएगा वहाँ पर आपके पास में ये भी लिखा जा सकता है एंगल या थीटा, थीटा ये भी बोलते हैं यहाँ पे, इसका सिंबल ऐसा बनता है। तो ये दोनों एक तरह से आपके पास में एंगल के जैसे काम करेगा। तो आप यहाँ पे समझना कि जहाँ पे सपोज करो इस वाले एंगल पे अगर यहाँ ए है, अगर ए पे एंगल बना है तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा जिसे हम रेफरेंस एंगल भी कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो कि आपको पता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है उसे हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। सपोज करो इसी कंडीशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने और बनाया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना, ये सी है, ये बी है, ये ए है, इस बार एंगल मैंने यहाँ बनाया है तो ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा जिसे हम रेफरेंस एंगल भी कहते हैं। समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर लिख लो रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं, ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि इस बार आई थिंक 2016 वाले में पेपर में एक्यूट एंगल कहीं पर भी नहीं दिया था, वहाँ पे हमेशा रेफरेंस एंगल भी दिया हुआ था। तो एक एक कंडीशन बन सकता है, एक ये कंडीशन बन सकता है, एक आपके पास में इस तरह से कंडीशन बना लो, चलो हाँ यहाँ से बना लेते हैं, चलो ये एक तरह से बन गए यहाँ पे आपके पास, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री होने के बाद सपोज करो एंगल मैंने यहाँ बना लिया, ये एंगल कुछ और दे दिया इसे, हम राइट एंगल ट्रायंगल तो बना नहीं सकते यहाँ पे, यहाँ पे राइट एंगल, चलो मैंने इसे आर मान लिया, इसे क्यू मान लिया, इसे पी मान लिया, तो अब हमारा एंगल कहाँ बन रहा है बच्चे, यहाँ पे। तो ये क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल, अब उसको क्या कहते हैं रेफरेंस एंगल। तो ये बात समझ आ गई। चलो इसी के बाद आपको एक पॉइंट नोट करना आपको यहाँ पे कि ठीक है यहाँ पे नोट लिखवाता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान सुनना कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाया, ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास में ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, या राइटिंग के लिए सॉरी भाई और डायग्राम ड्राइंग बहुत गंदी है, चलो ये सपोज करो यहाँ पे मैंने थीटा बना दिया, क्या बनाया थीटा। तो बच्चे याद रखो थीटा के जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा, क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब, क्या कहते हैं इसे लंब। जब भी याद रखना जो छोटी वाली साइड होगी इसे बोलते हैं बेस, इसे क्या बोलेंगे बच्चे बेस, जिसे हम बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं यहाँ पे आधार, ठीक है। जो बड़ी वाली साइड होगी जैसे मान लो ये वाली बड़ी साइड है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस, इसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण, क्या कहते हैं यहाँ पे विकर्ण। ये बात समझ आ गया। तो बच्चे यहाँ तक ध्यान रखना कि जैसे आप करो पहला वाला एंगल हमने ए बनाया था तो ए के सामने जो था ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो गई और नीचे वाली ये बेस हो गया और बड़ी वाली 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। चलो एक कंडीशन के बनाते हैं, चलो मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिया, चलो यहाँ से अब थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे आपके पास बी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे आपके पास सी था, हमने यहाँ पे एंगल बनाया, तो इस बार जहाँ एंगल है एंगल के सामने ये क्या कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाएगा, जो छोटी वाली साइड है ये आपका बेस कहलाएगा, 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा हाइपोटेनस, मतलब कि लंब हो गया, आधार हो गया और ये आपका विकर्ण हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब ये बात समझ रहे हो, तो नोट में लिखना आपको एंगल या थीटा, इंग्लिश में दोनों सेम ही लिखना, थीटा के सामने सामने ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ आ गया आपको? तो याद रखना हमेशा थीटा के हमेशा जहाँ पे एंगल होगा उसके सामने हमेशा क्या बनेगा बच्चे परपेंडिकुलर बनेगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। तो ये बात समझ आ गया आपको? तो हमेशा याद रखना ये हमेशा चीज़ें कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बनाई ये बेसिक बताया, अब जो आगे होने वाला है वो आपका बहुत ख़तरनाक होने वाला है, आप ध्यान से सुनना। ये मेरा था पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, जो कि मैंने आपको बताया थ्री मतलब ट्राई मतलब होता है थ्री, गोनो मतलब होता है साइड, मेट्रिक मतलब होता है मेजर। तो मतलब इसका पूरा फॉल फॉर्म हो गया
ट्रिग्नोमेट्री, इसका रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो भी कहते हैं, जिसमें कि आपको तीन तरह के एंगल बनाने होंगे। जैसे आपने देखा पहला एंगल यहाँ पे मेजर किया और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, छोटी वाली साइड हमेशा बेस होती है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। अगर यहाँ पे एंगल लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बड़ी वाली साइड हमेशा विकर्ण मतलब हाइपोटेनस होगा। यहाँ पे अगर हमने यहाँ एंगल लिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने आपका बेस होगा और ये वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करके बताया। यहाँ पर देखो एंगल ए है, ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा, बी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये बात समझ गए? तो ये हमेशा नीचे वाला जो होता है बेस, जिसे हम आधार कहते हैं, ये परपेंडिकुलर जिसे हम लंब कहते हैं, जिसके सामने हाइपोटेनस जिसे हम विकर्ण कहते हैं। और आपको ये नोट याद रखना है, चाहे थीटा यहाँ हो, मैंने आपको बता दिया, उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई, ये आपका बेसिक था। मैं अब इसके जो आगे की कंडीशन है वो मैं कंडीशन बताता हूँ किस तरह से इस वाले पार्ट की, जो आपको मेन कंसेप्ट के बाद जिस चीज़ को पढ़ना है ध्यान से सुनना बस। जो ये आपको बता दूँ, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, आठवें चैप्टर का बेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा तीन साइड थी, तो इन तीन साइडों में सबसे पहले आपको तीन चीज़ याद रखनी है, जो कि सबसे पहला आपको याद रखना है यहाँ पे, देखो ये आपका साइन याद रखना है, जिसे आप सिंपल भाषा में, इसे एंगल ए पे हम मेजर कर रहे हैं तो आप इसे सिंपल लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, साइन ए। इसको बता रहा हूँ मैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हमेशा ये होता है हाइपोटेन्यूस, इसे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो जब भी याद रखना, पहला रेशियो जब भी याद किया जाएगा तो साइन के रूप में होगा। आप बोल सकते हो इसके आपको, मैं ये वाला याद लिखना आपको पेपर के लिए, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट के लिए। जैसे आपने कहा साइन ए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। साइन के बाद इसका ट्रिक बताऊंगा, बस वेट करो थोड़ा सा। साइन के बाद दूसरा होता है कोसाइन। क्या होता है बच्चे, कोसाइन, कोसाइन, सी ओ एस आई एन ई, कोसाइन, और इसको और बोल सकते हो आप यहाँ पे कॉस। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ये वाला याद रखना। अगला जो होता है ये हो जाता आपके पास में बेस अपॉन में, इन्हीं तीनों साइड से मिला मिला के करना है, ये आपका हो जाता है हाइपोटेन्यूस। याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कोसाइन के बाद अगला जो तीन रेशियो होता है बच्चे, कोसाइन के बाद होता है टेंजेंट। सर्कल वाला टेंजेंट मत समझना, यहाँ पर भी टेंजेंट होता है, या और दूसरा नाम इसको बोल सकते हो टेन ए या टेन थीटा, कुछ भी बोल सकते हो, टी एन। ये होता है आपका हमेशा परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में होता है बेस। ठीक है बच्चे, याद रखना मेन तीन आपको ये याद रखना है। इसके बाद तीन और होते हैं जो इसके अपोजिट होते हैं। देखो हमें पता है कि थीटा के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये क्या होगा, बेस, मतलब ये आधार हो गया, यहाँ लिख लो यहाँ पे ये आधार, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, जिसे आप कहते हो विकर्ण। क्या कहते हो बच्चे यहाँ पे, विकर्ण। ये बात तो समझ आ गई। उसके बाद ये तीनों हमेशा इस पे बेस होता है, ध्यान सुनना। आपको पहला टर्म याद रखना है, साइन थीटा भी बोल सकते हो या एंगल भी बोल सकते हो, उसकी वैल्यू जब भी निकाला जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा। जैसे कॉस ए बोलेंगे या थीटा बोलेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन ए बोलेंगे या टेन थीटा बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये याद करना हैक्टिक होगा, बट ध्यान सुनो। जैसे मैंने एक ट्रिक बताया, देखो जो मैं ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे पी बी पी एच एच बी, आपको इस तरह से ऐसी बना लेनी है। ये सेम बना लिया आपने, ठीक है। देखो जो पहला वाला ये कॉलम है, ये आपका होगा साइन का, किसका होगा यहाँ पे, साइन का, पहला वाला साइन का। ये जो मिडल वाला है ये आपका होगा कॉस का, आपको ये माननी है। और ये जो होगा ये आप समझना टेन का, टेन का समझना। अब इसका मैं अपोजिट बताऊंगा। जैसे देखो पी बी पी एच एच बी, तो पीस हो गया पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। तो कैसे याद रखोगे, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, एच से हाइपोटेनस, बी से बेस, मतलब कि लंब हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, विकर्ण, विकर्ण और आधार। तो पी बी पी पाकिस्तान, भूखा
प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे साइन में आया पहला पी बी पी, तो पी अपोन में एच, तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस होता है, तो ये हो गया आपका पी अपोन में एच। तो पहला वाला कॉलम हो जाता है पी अपोन में एच, तो पहला साइन था। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा में पी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर को डिनोट करता है और नीचे जो है हाइपोटेनस थे, इसीलिए साइन ए को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पी अपोन में एच बोल सकते हैं। और जब उसी तरह से बी जाओगे, बी से बेस होता है, एच से हाइपोटेनस होता है। कॉस मिडल टर्म को देखते हैं, कॉस मतलब बेस अपोन में हाइपोटेनस, तो बी से बेस हो जाएगा, एच से हाइपोटेनस हो जाएगा। जैसे टेन है, टेन पी अपोन में बी, तो पी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी आपका बेस हो जाएगा। तो आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और बुक वुक में बहुत जगह सर्वर यूज करते हैं जो आपके टीचर मैम, जिससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी हो सकते हैं। एक और ट्रिक है, देखो पप्पू बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा, बस ये सब फनी है, ये सब नहीं, पर मैंने जो बना रखा भाई कोई, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ से जो भी ये मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ें दिक्कत ना करना, कोई भी अगर ऐसा कोई बालक है तो, जस्ट मैं आप लोगों के लिए फ़न के लिए है, ठीक है, सिर्फ याद करने की ट्रिक बनाया था जो कि आराम से आप याद रख पाओ। पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला वाला कॉलम साइन का होगा, बीच वाला कॉस का होगा, ये जो होगा टेन का होगा। तो पी अपोन में बी तो हम समझ जाएंगे, पी अपोन में एच बोले तो आप समझ जाना साइन की बात कर रहा है, बी अपोन में एच समझ जाना कॉस की बात कर रहा है, पी अपोन में बी आप समझना यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है। क्या पता अगली बार जो अगला कंसेप्ट है हाइपोटेनस वो पाइथागोरस वाला, वहाँ पे ये चीज़ यूज होगा। तो बच्चे एक चीज़ और याद रखना, जैसे आपने देखा कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा मतलब ए, तो आपने देखा क्या होता है पी अपोन में एच, क्या देखा आपने पी अपोन में एच, उसी तरह से साइन का जो उल्टा बनेगा, साइन का उल्टा होता है उसे बोलते हैं कोसेंट। लेकिन आप ठीक है, लेकिन आप यहाँ से रखना कोसेंट आपको नहीं याद रखना, सीधा सीधा इसे बोलोगे कोसेक, क्या याद रखोगे यहाँ पे कोसेक थीटा। तो आप ये याद रखोगे साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये इनका अपोजिट होता है। सपोज करो साइन पी अपोन में एच था, तो कोसेक इसके सामने अपोजिट होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच अपोन में पी, जस्ट पलट जाता है। तो ठीक है, साइन का अपोजिट क्या हो गया कोसेक थीटा, अब दूसरा क्या है कॉस, तो ये क्या हो गया बच्चे आपके पास में कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू की है पी अपोन में एच, तो ये हो गया बी अपोन में एच। अब कॉस का उल्टा क्या होता है sec थीटा, क्या होता है sec थीटा, अगर ये बी अपोन में एच है तो ये होगा एच अपोन में बी, ये चीज़ समझ गए। कॉस टेन, अगला क्या लिखोगे तीन, तीन वैल्यू है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है पी अपोन में बी, तो ये लिखा आपने पी अपोन में बी। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चे कॉट थीटा, याद रखना, और कॉट थीटा की वैल्यू की हो जाएगी बी अपोन में पी। तो ये आपको 6:6 रेशियो याद रखनी है, आपका काम हो गया। ये सोचो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, मैं इस पे क्वेश्चन लगवा के दिखाता हूँ क्वेश्चन किस तरह से होता है। तो बेसिक देख लिया, साइन थीटा पी अपोन में एच होता है, कोसाइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, ये तीनों यहाँ से याद रखना, इसका जस्ट अपोजिट कर देना। साइन थीटा पी अपोन में एच होता है मतलब परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस होता है, साइन का अपोजिट कोसेक है, बस इसकी रेशियो चेंज हो जाएगी एच अपोन में पी आ जाएगा। कॉस बी अपोन में एच है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये एच अपोन में बी आ जाएगा। टेन पी अपोन में पी होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये बी अपोन में पी हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना, यहाँ पे फॉर्मूला याद रख लेना, मतलब ट्रिक है ये, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं तो एक और पप्पू बीड़ी पिएगा, हाँ बेटा ये भी कर सकते हो, पर ये मत करना या पर थोड़ा सा फनी सा हो जाएगा, बट आप ध्यान रखना ये चीज़ें पाकिस्तान भूखा पैसा आपको बहुत याद हो जाएगा। पहला कॉलम साइन का, ये बस आप क्लास नोट करते करते तीन बार ये रिपीट करो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इमेजिनेशन रखो, ठीक है। इसके लिए मैं क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पर। चलो क्वेश्चन क्या, यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, सपोज करो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन मैं ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे बोल दिया टेन ए, क्या बोला टेन ए की वैल्यू फोर अपोन में थ्री दे दिया, क्या बोला मैंने टेन ए की वैल्यू फोर अपोन में थ्री दे दिया। तो आपने कहा कि टेन ए फोर अपोन में थ्री, तो सबसे पहले पता लगाओ टेन होता क्या है। तो आपने देखा टेन जो होता है यहाँ पे, ये होता पी अपोन में बी, तो आपने कहा ये तो होता है पी अपोन में बी, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये पी की है और ये जो वैल्यू है ये बी की है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि 90 डिग्री होना जरूरी है, तो इससे सी ये बी
और ये ए, अगर चप्पू स्क्रू में या ए बांधता हूँ तो इसके सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, हमें फाइंड क्या करना है हाइपोटेनस। तो आप जानते हो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या याद किया जाता है बच्चे, हाइपोटेनस इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस यहाँ और इसका जो स्क्वायर है ये हटके अंडर रूट बन जाता है, ये पी का स्क्वायर प्लस में ये हो गया बी का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे, अब सपोज करो एच है, एच की वैल्यू अंडर रूट में रखो, पी की वैल्यू कितनी आपके परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आपको स्क्वायर वाली फॉर्मूला भी दिखाते मैंने। अब बी कितना 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, सपोज करो एच के बराबर अंडर रूट में कितना हो गया 25, और ये 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई आपके 5, ये वैल्यू निकल आ गया आपके। अब देखो 10 तो निकला है, इसी में बोल देगा फाइंड वैल्यू ए, मतलब 10 के निकल गया, इसी में पूछ देगा कि बताओ साइन की वैल्यू, बताओ साइन ए की वैल्यू ये पूछेगा। तो साइन पता होना चाहिए आपके पास में, साइन ए क्या होता है, साइन होता है पी अपोन में एच, क्या होता है पी अपोन में एच। तो पी की वैल्यू इसमें कितनी है, पी परपेंडिकुलर 4 था, हाइपोटेनस आपका 5 निकला। तो ये आपका हो गया आंसर। इसमें से कोई सभी ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करवा लो, कोई सभी रेशियो फाइंड करवा लो, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। यार देखो पेज पे इसलिए करवाना पड़ रहा है, उस पर डिजिटल वाले पर थोड़ा भी राइटिंग नहीं बन पाता और ये सब चीज़ उस पर हो नहीं पाता, लेकिन क्वेश्चन मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी का मैं उसी पर समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बेसिक पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 समझ आया होगा। अगर ना आए दोबारा देखना, 1000% आएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने सारी चीज़ बताई है, आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग कमेंट करना, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अपने एंड से जरूर करना, चाहे मैं थोड़ा और मोटिवेट होकर आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आ पाऊँ, जो कि 2023 में हमारा मिशन है 90+90+ हम करके चलेंगे। ठीक है गाइस।